मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमने जहां आज एक ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की जिसने न केवल भारत का नाम देश में बल्कि दुनिया भर में ऊंचा किया है, अमन गुप्ता जी जहां पेशे से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम भी किया, लेकिन अपना ब्रांड, क्योंकि जब बार बार हम ब्रांड इंडिया की बात करते हैं वो मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो साथ ही साथ हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स अपनी अपनी कंपनी के ब्रांड्स के माध्यम से भारत को भी देश और दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। तो इसी तरह से बोट जो एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में की है, तो मिलने आया था कि हमें खुशी है कि ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर हमारे देश में है और स्टार्टअप्स जिनका नाम आज दुनिया भर में भारत का हुआ है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम का। तो जहां हमने बातचीत की कि क्यों किसी कंपनी में भी स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी लीडरशिप की बहुत आवश्यकता होती है ताकि वो आगे बढ़े, इसी तरह से ही देश में भी स्थिरता और निरंतरता बहुत आवश्यक है देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो जहां हम उम्मीद करते हैं ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स देश को और अपनी कंपनीज को आगे बढ़ाएं, तो एक बार फिर भाजपा की सरकार को लाएं, वहीं पर धन्यवाद किया कि इनके जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर उनको बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा कि युवा को जॉब गिवर होना है, जॉब सीकर की बजाय, और इसके लिए उनको स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को हमें मदद करनी है।